यूपी के रामपुर में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने बैलगाड़ी से मोटरबाइक को खींचा और नैनीताल बरेली हाईवे पर केंद्र सरकार और सूबे की सरकार के खिलाफ विरोध जाहिर किया। साथ ही कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर किसानों की रीढ़ की हड्डी टूटी है। यही नहीं, सरकार हिटलर शाही जैसा रवैया किसानों के साथ अपना रही है और रोजगार और राशन की बात करने वालों सरकार कहा है। देश बर्बादी की ओर है, इतनी महंगाई है, क्या कर रही है सरकार। भारतीय किसान यूनियन सरकार का विरोध करती है और चेतावनी देती है, केंद्र सरकार अगर सही नहीं चली तो किसान संसद का घेराव करेगा और संसद में जाकर खुद बैठेगा। मजदूरों की हैसियत अब नहीं रही कि हम लोग डीजल पेट्रोल इस्तेमाल कर सकें। हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए। जो केंद्र में बैठे हैं इस वक्त, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे कोई भी हो, ये जब विपक्ष में थे सन 2014 में और 13 में, तो चीख चीख के रोडों पर बैठा करते थे, सरकार चलानी नहीं आती, मनमोहन सिंह से इससे नहीं आ रही, उससे नहीं आ रही, और हम जो है डीजल आपको 34 रुपये लीटर देंगे, इतने में देंगे। तो हमें ये उम्मीद थी कि ये जब आएंगे तो हो सकता हमें डीजल और पेट्रोल 25-30 रुपये लीटर मिल जाए, क्योंकि 110 रुपये डॉलर पर बैरल उस समय था तेल, आज 40 रुपये डॉलर पे जो पर बैरल है, तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना सस्ता तेल हो गया है। 83 रुपये 80 रुपये भी हमें दे रहे हैं, हमें लूट रही है सरकार। आवाज़ इसलिए नहीं हमारे लोग उठा पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमें जाति धर्म में बांट दिया।